मोटो S15 Neo वर्सेस OnePlus Nord C4, तो दोनों का ही प्राइस करीबन आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा जो बेस वेरिएंट है। यहाँ पे जो मोटो S15 Neo है उसका 8+256GB का हमें 24 का देखने को मिल जाता है, एक ही वेरिएंट हमें देखने को मिल जाता है इसमें। वहीं पे जो OnePlus Nord C4 है उसका 8+128GB 25 के देखने को मिल जाता है, और वहीं पे जो 8+256GB है उसका हमें 27 को देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा बेस्ट फोन होगा आपके लिए। अगर आपको एक परफॉर्मेंस चाहिए, बैटरी चाहिए, कैमरा चाहिए, ओवरऑल सारा चीज पैकेज चाहिए, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के डिजाइन से, तो यहाँ पे देखें तो हमें एक प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाएगा OnePlus Nord C4 में, और वहीं पे जो Moto S50 न्यू है उसमें हमें एक वेगन लेदर फिनिश देखने को मिल जाएगा बैग में। दोनों ही फ्लैट स्क्रीन के साथ आते हैं। अगर इन दोनों का थिकनेस की बात करें तो यहाँ पे जो Moto S50 न्यू है उसका थिकनेस हमें 8.1mm देखने को मिल जाएगा, और OnePlus Nord C4 का हमें 8.4mm देखने को मिल जाएगा। वहीं पे इन दोनों के वेट की बात करें तो OnePlus Nord C4 करीबन 185-180 ग्राम के आसपास वेट करता है, और वहीं पे जो Moto S50 न्यू है उसका वेट हमें 171 ग्राम के आसपास देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे लाइट वेट फोन हो जाता है, पॉकेट फ्रेंडली फोन हो जाता है जो Moto S50 न्यू है, वो एक कॉम्पैक्ट साइज का फोन है। वहीं पे देखें दोनों कलर की, तो यहाँ पे Moto S50 न्यू में 4 कलर देखने को मिल जाएगा, और OnePlus Nord C4 में हमें 2 कलर देखने को मिल जाएगा। IP रेटिंग देखो तो यहाँ पे Moto S50 न्यू हमें IP68 के साथ देखने को मिल जाता है, जो प्रॉपर वाटर रेजिस्टेंट होता है, और वहीं पे OnePlus Nord C4 हमें IP54 के साथ देखने को मिल जाता है। इससे आप स्प्लैश प्रूफ बोल सकते हो, इसे आप पानी में ना ही ले जाओ तो अच्छा होगा। अगर वहीं पे इन दोनों की डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे जो Moto S50 न्यू है उसमें 6.4 इंचेस का 1.5K LTPO AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाता है 120Hz का, जिसका ब्राइटनेस हमें 3000 nits का देखने को मिल जाएगा, और ये भी HDR10 सपोर्ट करता है, मतलब काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 24 के हिसाब से। और वहीं पे देखें जो OnePlus Nord C4 है उसमें 6.7 इंचेस का 120Hz का फुल HD+ AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाता है 120Hz का, इसमें भी HDR10 सपोर्ट करता है, पर यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में थोड़ा सा कम हो जाता है, 1100 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है इस पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में हमें Moto S50 न्यू काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा OnePlus Nord के कंपैरिजन। अगर मल्टीमीडिया देखें तो दोनों में हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा, वहीं पे अगर Moto S50 Neo के बारे में बात करें तो वहाँ पे Dolby Atmos का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, हमें 3 माइक्रोफोन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो Moto S50 Neo है उसमें। वहीं पे दोनों का बैटरी की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस आता है, जो OnePlus Nord C4 है उसमें हमें 5500mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है विद 100W चार्जिंग, वहीं पे जो Moto S50 न्यू है उसमें हमें 4310mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, स्मॉल साइज का बैटरी है, और 68W का चार्जिंग विथ 15W वायरलेस चार्जिंग। यहाँ पे कॉम्पैक्ट साइज होने के चलते जो Moto S50 न्यू है उसमें थोड़ा बैटरी कैपेसिटी कम देखने को मिल जाता है, हाँ ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। वहीं पे इन दोनों के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे भी OnePlus Nord C4 काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, उसमें हमें देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3, जिसका एंटीटू स्कोर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है 8 लाख के ऊपर, इस पर आप डिसेंट गेमिंग कर सकते हो 60 FPS वाला। वहीं पे जो Moto S50 न्यू है उसमें हमें देखने को मिल जाता है MediaTek का Dimensity 7300 प्रोसेसर, इसका एंटीटू स्कोर भी 6.5 लाख के आसपास आता है, इस पर भी आप गेमिंग कर सकते हो डिसेंट वाला ही, और थोड़ा सा कम लेवल का गेमिंग करवा देगा जो OnePlus Nord C4 है उसके कंपेरिजन। दोनों में हमें LPDDR4X रैम देखने को मिल जाएगा, और वहीं पे UFS 3.1 हमें OnePlus Nord C4 में देखने को मिल जाएगा, और UFS 2.2 हमें Moto S50 Neo में देखने को मिल जाएगा। बात कर दोनों के कनेक्टिविटी की तो यहाँ पे Moto S50 Neo में 16 5G बैंड देखने को मिल जाएंगे विथ Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.4 NFC भी सपोर्ट करता है इसमें। वहीं पे जो OnePlus Nord C4 है उसमें हमें 7 5G बैंड देखने को मिल जाएंगे, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.4, उसमें भी NFC सपोर्ट करता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 5G बैंड में डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है, थोड़ा नेटवर्क स्पीड आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा Moto S50 Neo में। वहीं पे इन दोनों के अगर कैमरा की बात करें तो यहाँ पे मेन डिफरेंस आ जाता है, कैमरा सेंट्रिक फोन हो जाता है जो Moto S50 न्यू है वो। कैमरा सेटअप की बात करें Moto S50 न्यू का तो यहाँ हमें 50MP का Lytia 700C सेंसर देखने को मिल जाएगा, 13MP का अल्ट्रा वाइड और 10MP का टेलीफोटो कैमरा विथ 3x ऑप्टिकल जूम, मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छा कैमरा हमें देखने को मिल जाता है Moto S50 न्यू में। वहीं पे जो OnePlus Nord C4 है उसमें 50MP का Lytia 600 सेंसर देखने को मिल जाता है और 8MP का अल्ट्रा वाइड, यहाँ पे कैमरा आपको डिसेंट लेवल का देखने को मिल जाएगा, मतलब ओवरऑल अगर कैमरा की बात करें तो Moto S50 Neo में काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। दोनों से ही आप 4K 30fps पे शूट कर सकते हो रियर कैमरा से,
वहीं पे अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो जो मोटो एस फिफ्टी न्यू है उसमें हमें 32 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है, जिससे आप 4K 30fps पे शूट कर सकते हैं। वहीं पे जो वन प्लस नोट सी 4 है उसमें हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे आप 1080p 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे डिफरेंस निकाले तो डिज़ाइन देखें तो यहाँ पे मोटो एस फिफ्टी न्यू में हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। एक अलग यूनिक निकाला है मोटो एस फिफ्टी न्यू में इस प्राइस रेंज पे, एक कॉम्पैक्ट साइज हैंडी फोन बैक में वेगन लेदर के साथ। वहीं पे आईपी रेटिंग में भी यहाँ पे IP68 देखने को मिल जाएगा मोटो एस फिफ्टी न्यू में। मोटो एस फिफ्टी में 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि LTPO AMOLED स्क्रीन है, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। वहीं पे अगर देखें बैटरी के मामले में तो वन प्लस नोट सी 4 अहेड देखने को मिल जाएगा विथ 5500 mAh बैटरी। डे टू डे लाइफ में अगर UI की बात करें तो यहाँ पे भी मोटो एस फिफ्टी न्यू आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दिला देगा वन प्लस नोट सी 4 के कंपेरिजन। अगर क्या बोले परफॉर्मेंस देखें तो आपको वन प्लस नोट सी 4 में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगा मोटो एस फिफ्टी न्यू से। अगर वहीं पे ओवरऑल देखें किसको लेना चाहिए तो यहाँ पे मोटो एस फिफ्टी न्यू पे आप जा सकते हो, क्योंकि जो वन प्लस नोट सी 4 है मतलब वन प्लस कंपनी वालों ने अपडेट के थ्रू यहाँ पे कुछ नया निकाला है। इस वन प्लस के फ़ोन में मदरबोर्ड अपडेट हो जा रहा है, मतलब कुछ ग्रीन लाइन तो था ही था, अब मदरबोर्ड इशू भी आ गया। तो यहाँ पे वन प्लस नोट 4 को आप थोड़ा कंसिडर देख लेना अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर डिज़ाइन कैमरा परफॉर्मेंस आईपी रेटिंग सारा चीज़ को अगर ओवरऑल हम कंक्लूड करें सिर्फ बैटरी को हटा के, मतलब बैटरी एक माइनस पॉइंट हो जाता है मोटो एस फिफ्टी न्यू में, तो वो काफ़ी अच्छा एक फ़ोन हो जाता है। तो ये था दोनों का ही कंपैरिजन। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।